अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए सारे साहिबान कोशिश करें आवाज़ बुलंद सलावात तिलावत फरमाएं। अल्लाह अरवाहे मासूमीन के पाक नज़ूल के लिए सारे कोशिश करें आवाज़ बुलंद सलावात तिलावत फरमाएं। अल्लाह बयान وشرفه على صائر الحيوان باللطف والبيان وكرمنا وفضلنا على الامم السابقه بالتصديق والايمان وهو احسن الخالقين صلى الله وسلم على النبي الامي المكي المدني القاشي المبتهي الهاشمي الهادي المهدي सैयद हिल बही वकाओ कबीदुरी साहिब फजल वल अता वल जुद व सखा वल अम्र व रिजा साहिब विकावर व सकीना अल मदफून व अर्जल मदीना हबीब इलाह आलमीन व खातम नबीशीन व सैयद मुरसलीना अबिल कासिम मुहम्मद الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الله على सबसे पहले तो आप लोगों की खाली की रज़त मोहम्मद मोहम्मद के पाकिज़ा रवानी जिक्र के सबके से इज़्ज़तदार बानियान का यह पुरखलूस सफ़े माता मालिक अपनी अजीम बारगाह में मंजूर और मकबूल फरमाए। तमाम अज़ादारों का मवालियान हैदर करार सुन्नी शिया अहबाब का फर्श बेला व अज़ा जिक्र आले मोहम्मद में कदम कदम चल कर आना मालिक की बात फरमा। तमाम सुन्नी शिया भाइयों को इसी तरह आपस में इत्तेफाक इत्तेहाद से मालिक रहने की तौफीक अता फरमा। जिन अहबाब ने हमारे जिम्मे जो जो दुआएं लगाई हैं अलीगों के जाती सुदूर है जिक्र के सदका तमाम के नेक दिली हाजात को शर्फ कबूलियत अता फरमा। मरने से पहले जहादे मासूमीन की ज़ियारत हज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमा। हमारे वारिस बरहक इमाम ज़मन का मालिक ज़हूर फरमा हमें इमाम की ज़ियारत के काबिल बना। दुआओं की कबूलियत के लिए सारे कोशिश करें बाबा से बुलंद सलावात तिलावत फरमा। इजाज़त बात शुरू कीजिए। वादा था वो वफा हुआ जिक्र के वसीले से एक मरतबा फिर आपकी चेहरों की ज़ियारत नसीब हुई। मैं जितनी देर भी आपके साथ महवे गुफ्तगू रहूँ आपकी तवज्जो का महवर मरकज फ़कत और फ़कत जिक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद होना चाहिए क्योंकि आपकी तवज्जो आपकी समाज जिक्र की जानिब मसरूफ़ रहेगी तो फिर आने का मकसद पूरा होगा। है तो जो सारे नौजवान सारा मेरा अपना परिवार है मेरा अपना घर है मैं यहाँ बाली की हैसियत से नौकरी किया करता हूँ पहला जुमला है इसी पर दुआ फरमाएंगे तो आपकी तवज्जो हासिल हो जाएगी फिर मैं अपने मौजू की तरफ सफ़र करता हूँ। महंगाई के बात शुरू है महंगाई के भाईजान इस अरूज के आलम में ये भी चला गया तो इनू भी कुछ हो गया है महंगाई के इस अरूज के आलम में तवज्जो मेरी तरफ खतरनाक तरीन माहौल में पाबंदियों के बावजूद
असगर भाई कली कली में आज इस दौर पर आशू दौर में कली कली में जिक्र मोहम्मद आले मोहम्मद का होना थोड़ा सा साथ चाहिए। पहली मजलिस है, इब्तदाई मजलिस है, पहला बंदा ही मैं हूँ, तवज्जो रहनी चाहिए। गली गली में मजलिस हुसैन इब्ने अली का बुजुर्ग होना इस बात की दलील है कि हम वो कौम है जो बेवारिस नहीं है। अल्लाह हू अकबर। ये हाथ नहीं है कस्तूर है सैयदा की बात में, तो बंदा खिनात की खातिर आया है, हाथ बुलंद होना चाहिए। हम वो कौम है जवानों के हाथ बुलंद होने चाहिए। हम वो कौम है असगर भाई जो बेवारिस नहीं। सवाल तो इफ्तिखार हुसैन इन्होंने आते दर से मिंबर पहला जुमला यही कहा है कि महंगाई के सरूज के आलम में खतरनाक तरीन माहौल में पाबंदियों के बावजूद गली गली में मजलिस हुसैन इब्ने अली का होना इस बात की दलील है कि हम कौन है जो बेवारिस नहीं है, तो हमारा कौन सा वारिस मौजूद है। ले आओ कुरान मेरे सर पर रखो, हमारा वारिस कल भी मोहम्मद था, हमारा वारिस आज भी मोहम्मद है। हमारा वारिस मोहम्मद था और आज भी हमारा वारिस जी है। मोहम्मद की हैसियत से पर्दाए गैबत में तशरीफ फरमा है और ये वो मोहम्मद है जो हमें खुद गायब है लेकिन रिस्क भी देता है, औलाद भी देता है, शिफा भी देता है। जैसे अल्लाह गायब है ऐसे कायम गायब है। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। सदा सलामत रहो। तवज्जो, आपकी तवज्जो हासिल हो गई। अब मैं सफर करता हूँ, है ना। एक जुमला और मैं कहता हूँ फिर अपने मौजू की तरफ। आप जी हैं, आप जी हैं सरकार, उस वक्त की बात करो भाई, उस वक्त की कोई परेशानी है तो तू चला जाता नहीं, छुट्टी है, ठीक है ना सरकार। उस वक्त की मैं बात करने लगा हूँ बुजुर्गो, जब वक्त का तसव्वुर ही ना था, ये घड़ियां छड़ियां नहीं थी, वक्त था ही नहीं। ये जो लफ्ज था है ना, वक्त नहीं था, ये था ही नहीं था।
زمین کو بنایا گیا، زمین بنی لیکن زمین کو قرار نہیں، زمین یہ ہل رہی ہے، زمین یہ کف کفی کا شکار ہے، زمین تھر تھراہٹ کا شکار ہے۔ جبرائیل نے پروردگار کے آگے ہاتھ مار کے کہا، پروردگار آپ کے حکم سے زمین بن تو گئی ہے لیکن میرے اللہ زمین کو قرار نہیں ہے، زمین ہل رہی ہے، زمین کف کفی کا شکار، زمین تھر تھراہٹ کا شکار ہے۔ آواز قدرت توجہ، آواز قدرت جبرائیل، اس کا انتظام میری توحید کے پاس ہے، اس کا انتظام میری وحدت قدرت نہیں ہو۔ آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں،